नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के एसडी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री द्वारा आज नगर निगम भवन का उद्घाटन किया गया। वहीं पूरे शहर में नजर रखने वाले बनाए जो कैमरे कंट्रोल रूम है उसका भी उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं और यहां पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि आज नगर निगम के लगभग 16 करोड़ से बने भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। खान सर बेस्ट शॉट। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है और लगभग इस बात की कोनी उठा रहे मेरे समझ में किस यहाँ क्या हो गया। जनाब आपके कमांडो ही धक्के मार रहे। आप देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री द्वारा एक एक करके उद्घाटन किए जा रहे हैं। जिले भर में जो विकास कार्य किए गए उनके लिए आज उद्घाटन किया जा रहा है। और मनोहर लाल ने आज सभी उद्घाटन कर दिए जो विकास कार्य यहां पर जिले में सौगात की दी गई है। और अब मुख्यमंत्री 13-14 विकास कार्य हैं जिनको उद्घाटन किया जा रहा है। विकास और संरचना का कार्य होगा। 1,48,000 करोड़ रुपए की लागत है। क्रेडिट कार्ड होगा। 1,48,000 करोड़ रुपए की। मुख्यमंत्री द्वारा सभी उद्घाटन कर लगभग 13-14 ऐसे उद्घाटन है जिनका किया गया है जो कि अभी एक एक करके मुख्यमंत्री द्वारा इन सभी विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है। आप देख रहे हैं सभी उद्घाटन कार्य किए गए हैं। सर क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ी आप समाजसेवी हैं, क्या कहेंगे? अच्छे कार्य चल रहे हैं। बहुत बढ़िया कार्य चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी करनाल पे दया दृष्टि बनी हुई है। और हाँ, इसके लिए पूरी करनाल की जनता को बहुत बहुत बधाई। तो ये थे समाज सेवी ब्रिज गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि आज पूरी तरह समाज सेवी जो लोग हैं उनके लिए और नगर निगम में जो आम जनता यहाँ पर आती है उनके लिए यह है एक बहुत बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री अब कार्यालय जो भवन का नगर निगम का उद्घाटन किया गया उसके बाद अब आम जनता को बातचीत करेंगे। नीलगिरी के विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी वो भी यहाँ उपस्थित है। मैं उनका भी यहाँ पहुँचने पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से जो नगर निगम का भवन बनाया उसी के परिसर में आज यह कार्यक्रम रखा गया और चुके हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सेक्टर 9 पंजाबी धर्मशाला का पंजाबी भवन का भी उद्घाटन करेंगे। फिलहाल यहां पर आम जनता को संबोधित करते और जो भवन दिया गया है नगर निगम की जो सौगात दी गई है मुख्यमंत्री द्वारा उसके बारे में यहां पर श्री राजेश मुख्यमंत्री पूरे करनाल वासियों का धन्यवाद कर रहे हैं और सभी सम्मानित पार्षदगण भी नगर निगम के जो जो कि मफलर और पगड़ी भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का
अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं मेयर श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी से कि वो अपने स्वागत भाषण के लिए अपने दो शब्द मान्य श्री रेणु बाला गुप्ता जी। भारत माता की। आज नगर निगम के इस नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी कर्मठ और एक संत की तरह भूमिका निभाते और सबके साथ सबका साथ सबके विकास की भूमिका के साथ हमारे दिशा निर्देश करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज इस अवसर पर हमारे बीच में रिक्वेस्ट सामने खाली तो है सारी जगह खाली तो पड़ी है। राम कुमार जी उनका भी बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे नीलो खेड़ी के विधायक भाई धर्मपाल गोंदर जी उनका भी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन है। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे सभी पार्षदगण यहाँ पर मौजूद है। हमारे सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी जी, हमारे डिप्टी मेयर नवीन कुमार जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, हमारे भाई बस मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि संजय बटला जी यहां पर उपस्थित, हमारे निगम के आयुक्त मनोज कुमार यादव जी और हमारे साथ हमेशा सहयोग करते हैं हमारे डीसी करनाल निशांत कुमार यादव जी, हमारे एसपी गंगाराम पुनिया जी, हमारे बीच में हमारे डिवीज़न के कमिश्नर संजीव कुमार वर्मा जी, हमारे बीच में हमारे भाई सुभाष जी और यहां पर सम्मानित मंच पर विराजमान सभी कार्यकर्ता बंधु और उपस्थित सभी नगर निगम के अधिकारीगण कर्मचारीगण और शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति, उन सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हुए एक बात मैं कहना चाहूँगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आज भी वो दिन ध्यान है और याद है जब आप नगर निगम में पहली बार आए थे और वो नगर निगम का पुराना भवन जहाँ पर जाने तक का भी रास्ता नहीं था, बड़ी मुश्किल से वहाँ पर पानी भरा हुआ था, आप वहाँ पर पधारे थे तो वो व्यवस्था से आज इस व्यवस्था तक आपने शहर की व्यवस्था को तो दुरुस्त करवाया ही, इसके साथ साथ आपने शहर की जितनी व्यवस्थाओं के साथ इस भवन की व्यवस्था और आने वाले समय में इस भवन से और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं हम करनाल वासियों को दे पाएंगे, इस व्यवस्था के लिए आपका दिल से आभार और अभिनंदन है। आपने जिस तरह से करनाल में चाहे वो सड़कों का चौड़ा करने का काम है, चाहे वो सौंदर्यकरण का काम है, इसके अलावा चाहे हमारे शहर में नए नए प्रोजेक्ट्स हैं उनका आपने आपके दिशा निर्देश के अनुसार आगे आपने हर तरह से उसमें सुचारू रूप से बढ़ाया है। आज हमारे स्मार्ट सिटी के भी बहुत सारे, क्योंकि शहर को अव्यवस्थाओं के साथ साथ खूबसूरत भी बनाना है और इसी सोच के साथ आपने यहाँ पर इस भवन का आज उद्घाटन किया है। मैं इसके लिए आभार और अभिनंदन करते हुए एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि यह भवन हमने बनाया है आज की सुविधाओं के अनुसार, आज की व्यवस्था के अनुसार, फिर भी जब यह भवन बना तो कुछ व्यवस्थाएं हम इसमें और बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए दो प्लॉट और हमारे एक साथ इसके साथ हैं जिसमें आने वाले समय में आपके दिशा निर्देश से उसे भवन का विस्तारीकरण हम करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जिस तरह से इस भवन की व्यवस्था दी है हमारे अधिकारी और कर्मचारियों के लिए, एक शहर में कोई भी आवास नहीं है
तो आने वाले समय में हमारे अधिकारी कर्मचारी रहें, उसके लिए हमने 8 फ्लैट का अभी शुरुआत में प्रोजेक्ट रखा है, उसकी भी मैं आपके माध्यम से आपके सानिध्य में घोषणा चाहूँगी, ताकि आने वाले समय में हम उसका भी विस्तारीकरण कर सके। हमारे शहर में लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था और सीवरेज की व्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा जूझना पड़ता है, और वो व्यवस्थाएं उसमें सड़कों का ठीक से करवाना, उसमें आपके दिशा निर्देश के अनुसार और आपके सानिध्य में हम चाहेंगे कि वो सारी व्यवस्थाएं भी ठीक हो। उसके लिए भी आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आज आप उसकी भी कोई घोषणा करके जाएं। आज के इस आगमन के अवसर पर मैं बहुत ज़्यादा आपसे समय ना लेते हुए मैं आपसे दिल से पुनः आभार और अभिनंदन करते हुए आशा करती हूँ कि जिस उम्मीद के साथ आपने इस भवन को नगर निगम कार्यालय को सौंपा है, उसी उम्मीद के साथ आपकी उम्मीद को पूरा करते हुए हम सब मिलकर शहर में बेहतर सुविधाएं देंगे, और पुनः करनाल वासियों की तरफ से, नगर निगम परिवार की तरफ से आपका दिल से अभिनंदन और आभार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार महापौर महोदया। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें, और आप सब से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, जोरदार तालियों से। मंच पर विराजमान आज हमारे शहर की प्रथम नागरिक यहाँ की मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, उपस्थित हमारे विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी, श्री धर्मपाल गोंदर जी, जिला अध्यक्ष पार्टी के श्री योगेंद्र राणा जी, सभी पार्षद बंधुगण, उपस्थित अधिकारीगण, सभी सज्जन वृंद, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकर मित्रों, करनाल के इतिहास में आज एक बहुत विशेष दिन इसको मैं कहूंगा, क्योंकि हमने जब ये सुना कि करनाल स्मार्ट सिटी होगा, उस समय सबकी कल्पनाएं अलग अलग रही होंगी कि स्मार्ट सिटी यानी क्या। स्मार्ट सिटी का कोई एक आयाम नहीं है, बहुत से आयाम हैं, और वो एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। उन सब आयामों में आज जो उद्घाटन किए गए हैं, शिलान्यास किए गए हैं, इनका बहुत महत्व है। इसमें सबसे बड़ा विषय हमारे नगर निगम का यह नया कार्यालय, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा नगर निगम का पुराना कार्यालय घंटाघर चौक पर था, हम जानते हैं भीड़ भाड़ के इलाके में था, स्थान भी उसमें जितना चाहिए लोगों के, वहां जो सेवाएं देते हैं उनके कर्मचारियों के लिए या लोगों के आवागमन के नाते, फिर पार्किंग, अन्य सब सुविधाएं, वो उचित और परिपूर्ण नहीं थी। उसी में से विचार बना था कि एक नया स्थान, ये जो अभी आज सेक्टर 12 के बेज नंबर 11 से 16 इसको हमने खरीदा, 3 करोड़ रुपए की राशि इसमें लगी, और 1935 वर्ग गज इसका एरिया है। इस एरिया में निर्माण कार्य थोड़ा विलंब हुआ, बीच में किसी एक ठेकेदार की कोई कठिनाई भी आ गई थी, बाद में उसको दुरुस्त किया गया, ठीक किया गया, आज यह निर्माण हुआ। निर्माण होकर के इस अवसर पर आज इसका उद्घाटन हो रहा है, मैं आप सब लोगों को, शहर के लोगों को, सभी पार्षदों को, हमारी मेयर बहन को, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत सी सुविधाएं इसमें बनाई गई हैं,
अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग काउंटर खिड़कियां वो सब बनाई गई हैं, लोग आए अपनी सेवा के लिए, जिस भी वहां का काम है, जिस भी प्रकार का काम है वहां अलग से खिड़की पर जाकर अपना काम करा सके। हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, काउंसलर, हमारे कमिश्नर, इन सब लोगों की बैठने की व्यवस्था भी वहां की गई है। सुविधाएं जैसा वहां जनरेटर की सुविधा इसमें की गई है और शौचालय पर्याप्त रूप में बनाए गए हैं, स्टोर रूम 9 अति आधुनिक स्टोर रूम बनाए गए हैं, इलेक्ट्रिक सर्विसेज, प्लंबिंग सर्विसेज, इन सब की व्यवस्था, इंजीनियर जितने हैं द्वितीय तल के ऊपर उनके बैठने की व्यवस्था, लेखा शाखा, ऑडिट शाखा, स्टाफ सबके बैठने की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। एक प्रकार से सुचारू ढंग से अपनी व्यवस्थाएं ठीक से चलें ये सब काम किया गया है। लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, सेंट्रलाइज्ड एसी, पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी बनाया गया है, विकलांगों के लिए भी उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं जो आने के लिए ये बनाई गई हैं, 2 लिफ्ट इसकी व्यवस्था की है, सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, सीढ़ियां तो हैं ही हैं, ऐसा एक जिसको कहना चाहिए सारी व्यवस्थाएं आधुनिक तौर पर जितनी की जाती हैं वो सब की गई हैं। इस नए भवन के निर्माण में जिन जिन एजेंसीज ने काम किया उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर, चाहे वो टाउन कंट्री प्लानिंग के डिपार्टमेंट के लोग थे, चाहे बिजली विभाग के थे, एचएसबीपी के थे, लघु सचिवालय, जिला अदालत, इन सब के कामों का भी इसमें उल्लेख है। और फिर ये ऐसा स्थान है जिस स्थान के ऊपर लोगों को एक सब सेवाएं लेने के लिए आसपास के ऑफिस में आना पड़ता है, साथ में कोर्ट कचहरी भी है, बाकी सब है, उनके लिए भी सब लोगों को एक आसान अप्रोच इस जगह पर होगी तो एक अच्छा, एक जिसको कहना चाहिए एक शहर के लिए एक नया प्रोजेक्ट ये आप लोगों को समर्पित किया जाता है। इसी